इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस, अब क्या है थर्मल स्ट्रेस पहले से आप समझ लीजिए, थर्मल स्ट्रेस को समझते हैं पहले, उसके बाद इसे लिखेंगे। ये आपकी एक रॉड है, मेटल रॉड, ठीक है। मेटल की एक प्रॉपर्टी है, वैसे तो और बाकी मटेरियल्स की प्रॉपर्टी मेटल में ज्यादा है, कि इसका टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो एक्सपेंड हो जाएगी, है ना। टेम्परेचर आप घटाएंगे तो इसको, ये इसकी लेंथ कम हो जाएगी। यहां भी दोनों ही बातें हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसकी लेंथ भी एक्सटेंड हो जाएगी, इसका डायमीटर भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एक्सपेंशन है। टेम्परेचर के साथ साथ पूरा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है ना। अगर इसका टेम्परेचर घटाएंगे तो लेंथ भी घट जाएगी और डायमीटर भी घट जाएगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा है डायमीटर कंपैरिजन में, तो हम क्या कहेंगे, लेंथ में चेंज आया। टेम्परेचर चेंज करने से इसकी लेंथ में चेंज आना और सर्टेन है, आना ही आना, राइट। अब आपने इस रॉड के दोनों किनारे रिजिड सपोर्ट से क्लैंप कर दिए, क्लैंप कर दिया रिजिड सपोर्ट से दोनों साइड, मतलब अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ नहीं सकता, लेंथ बढ़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, दोनों तरफ आपने इसकी लेंथ को बांध दिया। अगर ये आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो इसकी लेंथ कम नहीं हो सकती, दोनों तरफ से आपने फिक्स किया हुआ। इमेजिन कीजिए कि खंबे के बीच में बंधा हुआ तार है, दोनों खंभों के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, अगर लेंथ कम होना चाहे तार की तो वो लेंथ कम नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से लेंथ को कम होना आपने रोका हुआ। हाँ, बढ़ जरूर सकती वायर की, थोड़ा और लचीला हो जाएगा, लचक आ जाएगी उसके अंदर, बढ़ जाएगी, लेकिन अगर ये रॉड है और आपने दोनों इसके सिरे क्लैंप किए हुए हैं, तो इसको बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, बढ़ ये सर पानी रही, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो क्या होगा। इमेजिन कीजिए कि ये बढ़ी, लेकिन जो साइड के आपके रिजिड सपोर्ट है इन्हें वापस खींच दिया तो क्या होगा, डायमीटर में तो चेंज आ नहीं है लेकिन लेंथ की बात क्या होगी, एक स्ट्रेन क्रिएट हो जाएगा यार। खींचने के बजाय क्या हुआ, उल्टा काम हो गया कि खींचे हुए को आपने दबा दिया दोनों साइड से क्लैंप करके। ये जो स्ट्रेन डेवलप होता है इसे बोलते हैं थर्मल स्ट्रेन, नहीं सॉरी, स्ट्रेन तो लॉन्गिट्यूडनली है, लेकिन एक स्ट्रेस जो डेवलप हुआ जो इसे एक्सपेंड करने की कोशिश में है और क्लैंप्स ने साइड में वापस इसे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, इसे बोलेंगे हम थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं थर्मल स्ट्रेस, व्हेन ए मेटल रॉड और ए वायर इज क्लैंप्ड व्हेन ए मेटल रॉड और वायर इज क्लैंप्ड, CLAMPED, क्लैंप्ड बिटवीन रिजिड सपोर्ट्स एंड इट्स टेम्परेचर इज चेंज्ड, द रॉड और वायर इज टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड विच रिस्ट्रिक्टेड बाय द रिजिड सपोर्ट्स एट द टू एंड्स। विच इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द रिजिड सपोर्ट्स एट द टू एंड्स। उड़िया किसी का, टेंड्स टू कॉन्टेक्ट और एक्सपेंड विच इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द रिजिड सपोर्ट्स एट द टू एंड्स, एट द टू एंड्स, देयरफॉर स्ट्रेस इज डेवलप्ड कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। ओके, थर्मल
थर्मल एक्सपेंशन थर्मल कॉन्ट्रेक्शन का एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल होता हमारी किचन में। लड़कियों को पता होगा जरूर, अगर किसी ने ऑब्जर्व किया है। प्रेशर कुकर के ऊपर गैसकेट होती है, उसकी रबर थोड़ी देर, थोड़े महीने, 2 4 6 महीने में, साल भर में वो थोड़ा ढीली सी हो जाती है, उतरने लगती। तो क्या करते हैं उसको जब वो बार बार ढक्कन पे से उतरने लगे, तो क्या करती हैं आपकी मम्मी? नहीं, रिप्लेस। अब रात का समय है, रिप्लेस कहाँ से करोगे? हाँ, क्या करती बोलो? हाँ, फ्रिज में? नहीं, आप अपने डैडी से बोल रहे हो, देखा है जो आपके नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसे थोड़ी देर के लिए आप फ्रीजर के अंदर रख दो, बर्फ वाले कंपार्टमेंट में, और फिर वो आराम के साथ थोड़ी सी कांटेक्ट हो के उसके ऊपर मजबूती चढ़ जाएगी। एक बार लगा चाहिए ढक्कन, फिर तो होती रहे एक्सपेंड, है ना? लेकिन शायद कभी हुआ नहीं आपके साथ ऐसा, कभी किसी के साथ नहीं हुआ। नहीं, बदलना तो आपको है ही, लेकिन अगर नई गैसकेट नहीं रखी हुई है और ढक्कन लग ही नहीं पा रहा, तो थोड़ी देर के लिए उसे आप फ्रीजर में रख दीजिए, और ठंडी ठंडी में उसके ऊपर चढ़ाइए और ढक्कन लगा दीजिए। आपको देखना करके काम बन जाएगा। हाँ, मैंने किया है, मैंने किया है, मतलब एक आध बार नहीं, 2 4 बार चांस पड़ चुका है ऐसा करने का। कीजिए सर, छोटा सा टॉपिक है, कीजिए सर।